दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आरटीई के लिए दावा पत्र की प्रथम किस्त के लिए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आप आरटीई पोर्टल पर जाएंगे, आरटीई प्रवेश में, वहाँ पे दावा पत्र प्रथम किस्त की डिटेल देखेंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे तब अपने सामने सारी डिटेल आ जाएंगे। दावा पत्र किस्त 2023-24, इस पर अपन क्लिक करेंगे बच्चे की डिटेल सब कुछ चेक करके। तो यहाँ से अपन पूरी डिटेल देख लेंगे कि इस प्रकार से राशि वगैरह आएगी। ये डिटेल अपने फिलअप की है पाठ्यक्रम पुस्तकों के बारे में कि हम पुस्तकें वगैरह भी बच्चों के आरटी के जो बच्चे हैं उनको पुस्तकें वगैरह ये सारे देते हैं। ये अपनी बैंक डिटेल्स हो गई, बैंक डिटेल्स वगैरह अपन चेक कर लेंगे कि ये सारी ऐसे ऐसे बैंक डिटेल्स हैं। और नीचे सारे बच्चों की डिटेल्स आ गई जिसमें बच्चे के अपने बालक अभी अध्ययनरत है, जिनका पुनर्भरण किया है अपन ने कि अभी अध्ययनरत है और आगे भी अध्ययनरत रहेगा, नया उसका वो हो गया किस्त आ गई। ठीक है, यहाँ से फिर डिटेल अपन सारी डिटेल उसको ओके करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर अपने सामने बैंक डिटेल सारी कंफर्म हो गई, उसके सामने अपन फिर डिटेल आएगी कि कितने रुपए अपने कितने बच्चों को बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास में अपने साथ जैसे 21,000 रुपये बन रहे हैं, एक बच्चे के 21,000 अपने भरे थे, उसमें से गवर्नमेंट ने 15,500 रुपये दिए हैं। तो इसी प्रकार जैसे फर्स्ट क्लास दूसरी है हिंदी मीडियम की, उसकी 12,000 अपन ने भरी थी और गवर्नमेंट ने अपन को 7,500 दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब जैसे पाठ्यक्रम के 202 रुपये आए हैं, 4,400 रुपये अपने इंग्लिश मीडियम के पाठ्यक्रम के आए हैं, सेकंड क्लास के अपने 22,000 रुपये फिलअप की थी कि अपनी फ़ीस 22,000 है, और गवर्नमेंट की तरफ से आरटीई के बच्चे की 15,500 रुपये सबमिट हुई आई है अपने पास, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। जैसे 2,00,000 अपने टोटल अमाउंट बन रही है 2,26,976 रुपये, उसमें से पोर्टल शुल्क जो प्राइवेट स्कूल पोर्टल होता है उसके शुल्क वगैरह भी कटते हैं। तो नीचे दे रखा है कि पोर्टल शुल्क की कटौती वगैरह वो भी हो रही है। तो टोटल अपने सामने 1,000 रुपये उसमें पोर्टल शुल्क की लेस हो जाएंगे, उसके बाद में ये सारी डिटेल आ जाएगी। नीचे अपनी बैंक डिटेल्स आ गई, पोर्टल शुल्क वगैरह सारा चेक कर लिए अपन ने, ये अमाउंट आ गई कुल इतनी अपने खाते में आएगी, बैंक डिटेल्स के थ्रू आएगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स अपन ने चेक कर ली, उसके बाद में अपन नीचे बच्चे की डिटेल चेक कर लेंगे। सारी डिटेल्स अपने पास बच्चे की आ रही हैं, फिर इसे जाएंगे कि बिल बनाए, बिल पूरी तरह अपन दोबारा एक बार देख लेंगे कि कास्ट, बीपीएल, विकलांग वगैरह सारी चीज़ें हैं। फिर नीचे जाके अपन यहाँ पे बिल बनाने पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए कि ये पूछ रहा है कि 70 वगैरह के लिए बिल, ओके अपन ने ओके कर दिया। ये मेरा पॉपअप ऑन नहीं था, जो प्रिंट वगैरह खुलता है पॉपअप में, तो मैं पॉपअप ऑन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे अपन, ये बोल रहा है कि अलाउ पॉपअप्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड साइट। कई बार ये पॉपअप वगैरह को अलाउ करना पड़ता है, दोबारा अपन बिल बनाएंगे, अपन यहाँ पे जाके प्रिंट करें, ये बिल अपना बन गया, प्रिंट करें, ये सारी डिटेल्स अपनी आ गई। इस बिल को अपन प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके इसकी एक अपने पोस्ट के द्वारा अपने जो ऑफिस है वहाँ पे अपन को भिजवाना है, ये बिल की एक प्रतिलिपि साइन करवा के। ठीक है, उसके बाद में जो नंबर वगैरह आते हैं उस नंबर को अपन को यहाँ पे सबमिट करना है, और फिर उसमें टोकन नंबर जनरेट होगा कि आपके कितने टोकन नंबर पे आपका बिल सबमिट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है। इसी प्रकार अगर कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।